खान और आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज। आर्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त और रणवीर कपूर की नई फिल्म बहुत जल्द दर्शकों को थिएटर में देखने को मिलेगी। इस फिल्म का नाम शमशेरा रखा गया है। आज इंदौर के एक मॉल में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त और रणवीर कपूर और अभिनेत्री वाणी इंदौर पहुंचे और दर्शकों का अभिवादन किया। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा का टीजर रिलीज हो चुका है। फिल्म में संजय कपूर 4 साल बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। रणवीर कपूर का क्रेज इस कदर है कि करण मल्होत्रा के निर्देशन में बनी इस फिल्म के टीजर को 24 घंटों में ही 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। अब यशराज फिल्म शमशेरा का ट्रेलर रिलीज करने की तैयारी में जुट गए हैं। आज यानी 24 जून को दुनिया भर में संजय दत्त और वाणी कपूर की फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। इस अवसर पर शमशेरा के स्टार कास्ट संजय दत्त, रणवीर कपूर और वाणी इंदौर पहुंचे। इस मौके पर हजारों की संख्या में बॉलीवुड प्रेमी वहां मौजूद रहे। मिस वाणी कपूर एंड हम सभी के सुपरस्टार लेडीज एंड जेंटलमैन रणवीर कपूर, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। अरे पीछे आ जाओ ना। वैसे भी अक्सर लोग डर जाते हैं लेकिन आप जैसे बगैर जब हमारे बीच में आते हैं। बाबा क्योंकि एवरी एक्टर वॉज टॉर्चर्ड एंड सफर्ड माय डायरेक्शन आई थिंक वाज़ बट हैविंग सेड दैट उनका खून पसीना भी फिल्मों में दिखता है। थैंकफुल टू एवरीबॉडी हियर हु हैज रियली अप्रिशिएटेड द ट्रेलर एंड लाइक इट ऑल इन ऑल। थैंक मुझे पता है कि करण जो भी रोल लेके आएगा मुझे वो एकदम ही कमाल का रोल होगा। और ये सिर्फ एक विलन मतलब विलन की बात नहीं है, इट्स अबाउट परफॉर्मेंस, इट्स अबाउट द कैरेक्टर, इट्स अबाउट हाउ कॉम्प्लेक्स द विलन है। लेकिन ऐसे डायरेक्टर कम मिलते हैं जो अपना खून पसीना वो पिक्चर में बना रहे हैं और ऐसे एक्टर भी बहुत कम मिलते हैं जो सेम करते हैं। रणवीर ने शमशेरा किया है एंड आई नो ही वन ऑफ वन ऑफ के एंड सुमन वाणी ये दोनों डांस तो कमल के लेकिन एक्टिंग भी बहुत जबरदस्त है। बॉक्स ऑफिस में भी खाता डाल देंगे सर। यस जी ऐसे कुछ होगा। ऑल गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमने बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत ही दुखी था जो एक्टर के लिए कि मुझे एक ऐसी फिल्म ऐसी बड़ी एक्शन स्पेक्टिकल में एक में दो किरदार देखने का मौका मिला और बहुत ही मुश्किल हो गई थी कि ये जैसे मैं कह रहा हूँ ये इस तरह की फिल्म बनती जो अगर लोगों को आपको सब चीज करना होता है, लोगों को हंसाना होता है, रुलाना होता है, एक्शन करना होता है, रोमांस करना होता है। बट आई थिंक जो हमारी टीम थी, जो हमारे एक्टर हैं, जो हमारे निर्देशक है करण, उसके ग्राउंड में आई डोंट थिंक ये भी मोर देन पॉसिबल बट मुश्किल तो डेफिनेटली था। क्योंकि तो क्या एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि आपने बहुत कुछ इसके बाद कहा है इसके बारे में। बचपन में मेरे कमेंट में संजय दत्त की पोस्टर होती थी, मेरे सिस्टर की कमेंट में सलमान खान की होती थी, मेरे कमेंट में संजय दत्त की होती थी। फिर जब मैं और हो रहा हूँ तो उसको जीना फैमिली फ्रेंड तो मुझे अपने बुलाने में घुमाते थे, मुझे घर पर बुलाते थे। जब और बड़ा हुआ तो मुझे मौका मिला कि मैं उनके बायोपिक में काम करूँ और फिर आज मैं उनके साथ एक हीरो विनिंग वाली फीचर कर रहा हूँ। मैं वो विनिंग कर रहा हूँ दिखाने में, हीरो का रोल निभा रहा हूँ। तो एक्चुअली जस्ट लाइक अ चाइल्ड एंड ऑन हिज ड्रीम्स कम ट्रू एंड अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मर दैट ही इज, हम सब जानते कि हिज ऑरा, हिज पर्सनैलिटी, जो जिस किस्म के एक्टर हैं, ये ट्रूली अ लेजेंड। यू नो व्हाट आई मीन, ब्लॉक्स इज गोइंग टू ये सो भी यंग, आई थिंक 4 साल तक हो सकती है इस आगे अच्छी बात है कि मैं ऐसा करूँगा तो दोस्तों एकदम आ रहे हैं। बट मैं क्या बोल रहा था देख सकती हाँ तो वही मैं संजू सर इज लाइक वो मैंने कभी अपने लाइफ में और मैं फिल्म फैमिली से वो तो मेरे फैमिली में बहुत सारे एक्टर्स हैं तो मैंने बहुत देखा है
जब संजू सर सेट पे होते हैं जो 300 लोग सेट पे होते हैं वो सब में से आके इनके साथ बैठना चाहते हैं, चैटिंग करना चाहते हैं, सिर्फ पूछते रहते बाबा कैसे हो, बाबा कैसे हो। ऐसा प्यार मैंने कभी किसी के लिए नहीं देखा है। और ये प्यार का कारण ये है कि इनका दिल इतना अच्छा है, इनका दिल इतना साफ है, वो खुद इतना प्यार देते हैं लोगों को। एंड आई थिंक Thank you.